एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोड्यूस 182। आपको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट उनका 182 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, किस आसानी से सॉल्व होगा, आपको क्वेश्चन को बस समझना आना चाहिए प्यारे बच्चों। देखो कह रहा है दो नंबर का सम आपको पास 27 गिवन है एंड उनका प्रोडक्ट आपको 182 है। तो अब फर्स्ट आप क्या करेंगे, लेट करेंगे फर्स्ट नंबर बी एक्स मान लो, देन अदर नंबर आपका क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो आपके लिए दो नंबर मिल गए, फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया, लेट कर लिया, तो अदर आपका तो दो नंबर का सम 27 है, तो अदर नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो गया। आप कह रहा है क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 182, इन प्रोडक्ट का मींस होता है इन दो मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई वो 182 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से तो आप देखेंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे आप 27 माइनस एक्स के इज इक्वल टू 182 से। तो आप x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, 27x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबको आप उठा के इक्वल के उस तरफ ट्रांसपोज कर दो आप राइट साइड में, तो आपको देखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x हो जाएगा, प्लस 182 है ही। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 182 के आपको यहाँ पे फैक्टर करना है और प्लस के 27 लेके आना है, 2 9 जा 2 1 जा, यानी कि ये 7 बन जा 7 3 जा 13 बन जा, यानी कि 2 7 जा 14 14 प्लस 13 आपका हो जाएगा, ये 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27 आएगा। तो 27 को आप यहाँ पे ब्रेक कर लो, 14 प्लस 13 प्लस 182 इज इक्वल टू 0, और x ठीक है, x से अब अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस का 14x माइनस का 3x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से दो कॉमन लेना है और यहाँ से दो कॉमन लेना है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x माइनस का 14 हो गया, माइनस के 13 कॉमन लोगे यहाँ से, तो x माइनस 13 14 जा आपका 182 होता है, तो इज इक्वल टू 0। देखेंगे आपके अंदर वाले ब्रैकेट दोनों सेम है, ये आपको क्वेश्चन को पता लगाता है कि आपने जो क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ब्रैकेट आपका x माइनस का 14 ही रहेगा जो सेम है, और एक ब्रैकेट आपका जो बाहर होता है वो लेते हैं, x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को इक्वल करेंगे 0 के लिए, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 14 आपको गेट होगी, तो x इज इक्वल टू 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम जिसका आप सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 365, तो आपको क्वेश्चन देखो सॉल्व करना है, लेको लेट कर लो यहाँ पे, लेट दी कंजीक्यूट लेट टू कंजीक्यूटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वी एक्स एंड एक्स प्लस वन, ठीक है। अब कह रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, कह रहे हैं इनका स्क्वायर करने का और सम करेंगे तो 365 आएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x प्लस 1 365, इधर लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिविजिबल है पूरी इक्वेशन, तो आप इसे डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2 8 जा 2 2 जा
वही आपको 182 के फैक्टर करना है, माइनस का आपको 1 लेके आना है। पिछले क्वेश्चंस में हमने 182 के फैक्टर्स किए थे यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है 237 है यहाँ पे, ठीक है। 27 जा 14 और 14 और 13, यानी कि 14 को माइनस कर देंगे 13 को, तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस के 13 एक्स माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस के 14 हो जाएगा। 13 14 टाइम्स होता है 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक ब्रैकेट आपका एक्स माइनस का 13 हो गया, तो एक आपका ब्रैकेट एक्स प्लस 14 हो गया इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर इसको 0 करेंगे तो 13 आपको मिलेगी, अगर इसको 0 करेंगे एक्स के तो एक्स की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। जो नेगेटिव 14 आपको नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू 13 लेना है। आपको टू कंजिक्यूटिव, आपने एक एक्स माना था एक्स इक्वल टू 13, दूसरा आपने माना था एक्स प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो आपके दो पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर निकला है 13 एंड 14, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।